हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आम की कलौंजी या खट्टा मीठा अचार। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। इसे हम पराठे, रोटी, पूड़ी के साथ खा सकते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं आम की कलौंजी। मैंने इन आमों को छोटी छोटी पीसों में काट लिया है। देखिए, आप चाहे तो इससे छोटी भी पीस कर सकते हैं या इससे बड़ी पीस रखना चाहे। आप जिस हिसाब से पीस को काटना चाहें उस तरह से पीस को काट सकते हैं। अब इसको हम आगे बनाना चालू शुरू करते हैं। मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, तो इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे मेथी के दाने, जीरा की आवाज़ आने लगे इनमें, तो हम ये जो हमने आम के पीसेस काटे हुए थे वो उसमें हम डाल देंगे। आम की कलौंजी का तड़का लगाने के लिए हम इस पंचफोरन में पांच चीज़ें होती हैं, जैसे मेथी, सौंफ, कलौंजी, जीरा, अजवाइन। तो इन सभी का तड़का लगेगा। अब इसका तड़का लगाएंगे तो कढ़ाई में एक एक करके मैं सारी चीज़ें डाल देती हूँ। मेथी, अजवाइन, जीरा, कलौंजी, सौंफ, इस तरह से तड़का लगाएंगे तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है और सौंफ की जो खुशबू और उसका जो टेस्ट होता है बहुत अच्छा लगता है इसमें। तो कलौंजी बनाते समय इन पांच तड़के का इस्तेमाल ज़रूर करें, इससे आपकी कलौंजी बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब इसके बाद मैं इसमें लहसुन और प्याज का पेस्ट डालूँगी। लहसुन का जो मैंने पेस्ट इसमें डाला था तो अच्छी तरह से पक चुका है, ये हल्का हल्का ब्राउन सा हो गया। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे मिर्च पाउडर। मिर्च पाउडर थोड़ा ही डालें आप। हल्दी पाउडर सिर्फ कलर के लिए डालना है आपको, ताकि जब आप आम के पीस निकालें तो ये वाइट वाइट नज़र ना आए। धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, फिर से पानी डाल के अच्छी तरह से पका लेंगे। हमने नमक इसमें इसलिए डाला है क्योंकि हम इसमें गुड़ डालेंगे, तो गुड़ से की जो मिठास होगी उसे बैलेंस करने के लिए इसमें हम नमक और मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारी जो कलौंजी है आपकी वो मीठी और चटपटी बने। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ मीठी मीठी सी रह जाए, इसलिए हम नमक और मिर्च डालते हैं इसमें और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। देखिए, हमारा मसाला भी पक गया है, मसाला ऑयल छोड़ने लग गया है, इसका मतलब कि हमारा मसाला अच्छी तरह से पक गया है। अब इसके बाद हमने जो आम फ्राई किए हुए थे तो वो हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, हमारा मसाला अच्छी तरह से इस आम में कोट हो चुका है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी हमें कम ही डालना है क्योंकि इसमें हम गुड़ डालेंगे तो गुड़ का भी पानी होगा, तो इसलिए मैंने इसमें आधे ग्लास पानी डाला है। ये हमारा आम एक डेढ़ किलो के करीब है, तो इसमें हम एक किलो के करीब गुड़ डालेंगे। मैंने आम को गुड़ को क्रश कर लिया था। अब मैं इस गुड़ को अच्छी तरह से मिला लूँगी। पानी की मात्रा कम ही रखी है क्योंकि ये गुड़ जब गलेगा तो इससे भी ये काफ़ी लिक्विड हो जाएगा। ये देखिए, जैसे जैसे गुड़ गल रहा है वैसे वैसे से पानी बढ़ता चला जा रहा है। अब इसे मैं थोड़ी देर ढक के मीडियम फ्लेम में पकाऊँगी, तो जैसे ही गुड़ गलता है फिर मैं आपको बताती हूँ क्या। ये देखिए, कितनी अच्छे से हमारा गुड़ गल गया है और इस पर पानी की मात्रा काफ़ी हो चुकी है। अब इसी में हम इस आम को पकने देंगे। देखिए, हमारा गुड़ पूरी तरह से गल चुका है, अब इसी गुड़ में ही इसको हमें पकाना है। इसे हम मीडियम फ्लेम में इसी तरह पकाएंगे। देखिए, हमारा आम अच्छी तरह से इसमें गल चुका है, ठीक रखें क्योंकि ठंडी होने के बाद और भी ज़्यादा जम जाएगी। इसको इसी तरह रखें। एक रिक्वेस्ट और भी है कि आप आम की कलौंजी बनाएं, एक बार मेरे बताए हुए मेथड से ज़रूर बनाएं और बताएं मुझे कैसा लगा ये रेसिपी, आपको कैसी लगी।